हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नो होम्योपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज हियर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में आपको एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो बताने वाली हूँ। तो मेडिसिन का एक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कोई से भी ईयर की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो हर पेपर में ऑर्गेनिन के एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है पूछा जाता है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में, कभी 10 में, कभी 20 में। तो ये पूछे जाने वाला सवाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक्शन ऑफ मेडिसिन जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी एक्शन होता है वो क्या होता है और सेकेंडरी एक्शन क्या होता है वो क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो और पेपर में आपने ऑर्गेनिन लिखना चालू किया है, भले ही आपको कोई सा भी टॉपिक पूछा गया, आपको उसके एफोरिज्म नंबर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है कि एफोरिज्म नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको पेपर में लिखने के लिए। जैसे ही पूछा एक्शन ऑफ मेडिसिन, आप लिखोगे कि प्राइमरी सेकेंडरी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 63 एफोरिजम्स में तो डेफिनेशन बताई हुई है प्राइमरी और सेकेंडरी की। ठीक है, तो आपको जैसे ही आपने लिखा एक्शन ऑफ मेडिसिन प्राइमरी सेकेंडरी, तो आपने ब्रैकेट में लिख दिया एफोरिज्म 63 में डेफिनेशन बताई हुई है। इससे आपको नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान भी डेफिनेशन लिख देगा, एक आप भी डेफिनेशन लिख दोगे, फ़र्क कैसे पता चलेगा कि आपने सच में ऑर्गेनिन पढ़ी है? पता इसी तरीके से चलता है जो इंसान एफोरिज्म नंबर लिख देता है। ठीक है, सो प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन क्या है? प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन इज द एक्शन ऑफ द मेडिसिन ऑन द वाइटल फोर्स। यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, मेडिसिन एक्शन ऑन वाइटल फोर्स। क्या होता है जब हमने कोई सी भी दवाई ली, ठीक है, तो दवाई बॉडी में जाके क्या करती है, वाइटल फोर्स पे एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, वो वाइटल फोर्स पे कुछ ना कुछ जो है डरेंजमेंट करती है, वाइटल फोर्स को जो है डरेंज करती है, जिसके डरेंजमेंट की वजह से साइंस और सिम्टम्स आते हैं, जिसको मिला के हम, जिसकी टोटालिटी मिला के हम कहते हैं कि ये डिजीज है, ये बीमार हो गया इंसान। ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन सिंपली क्या होता है, मेडिसिन का एक्शन वाइटल फोर्स पे। सपोज मैंने कोई सी भी गोली खाई, ठीक है, उसको खाने के बाद उसने क्या किया, मेरे वाइटल फोर्स को डरेंज किया, डरेंज करने के बाद उसने कुछ साइंस और सिम्टम्स प्रोड्यूस किए, वो साइन और सिम्टम जो है वो उनकी टोटालिटी से डिजीज बन गई। ठीक है, तो ये हो गया प्राइमरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन की अगर मैं बात करूँ कि भाई सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, तो सेकेंडरी एक्शन सिंपल क्या है कि वाइटल फोर्स का रिएक्शन टूवर्ड्स प्राइमरी एक्शन, कि वाइटल फोर्स ने प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट में क्या रिएक्ट किया, वो है सेकेंडरी। क्या हुआ, मैंने गोली खाई, गोली खाने के बाद क्या हुआ कि उसने मेरे वाइटल फोर्स को डरेंज किया। ठीक है, ये है प्राइमरी एक्शन। लेकिन वाइटल फोर्स ने इन रिस्पॉन्स क्या दिया, उस प्राइमरी एक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्स दिया, वो है आपका सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, सो इट इज द डिफेंसिव एक्शन अगेंस्ट प्राइमरी एक्शन। वाइटल फोर्स का डिफेंसिव एक्शन है उस प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, वो हो गया हमारा सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, सो आपको एक तो एफोरिज्म नंबर याद रखने हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 63 एफोरिज्म में डेफिनेशन बताई हुई है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन जो है उसकी डेफिनेशन 63 में बताई हुई है। अब सेकेंडरी एक्शन 2 तरीके का होता है। क्या हुआ कि वाइटल फोर्स ने रिस्पॉन्स तो दिया अगेंस्ट द प्राइमरी एक्शन, लेकिन वो 2 तरीके का रिस्पॉन्स होता है। एक तो ये होता है कि वाइटल फोर्स क्या करे, सीधे ही जो प्राइमरी एक्शन हुआ था उसे अपोज कर दे, एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन प्रोड्यूस कर दे उस प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी काउंटर एक्शन। ठीक है, एक होता है कि वाइटल फोर्स एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन तो क्रिएट नहीं कर सका प्राइमरी एक्शन के, एग्जैक्ट अपोजिट जो कंडीशन है वो क्रिएट नहीं कर सका, उसने क्या किया, उसने सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन परफॉर्म किया जो एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन क्रिएट कर दी। ठीक है, वो तो हो गया सेकेंडरी काउंटर एक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन प्राइमरी एक्शन की पॉसिबल नहीं है, वाइटल फोर्स ऐसा नहीं कर पाया, उसे कहते हैं सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन। ठीक है,
कि एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन पॉसिबल नहीं थी. तो ये जो टाइप्स हैं सेकेंडरी एक्शन के, वो टाइप्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? 64 एफोरिज्म में. 63 में डेफिनेशन थी, 64 में जो है आपके इसके बारे में बता रखा है कि दो तरीके के होते हैं, सेकेंडरी काउंटर एक्शन एंड सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन. तो काउंटर एक्शन जो है वो एंटीपैथी में होता है. आपकी एंटीपैथी में जो है सेकेंडरी काउंटर एक्शन देखने को मिलता है. एंटीपैथी कौन सी पैथी होती है? जिसमें अगर किसी को कोई भी बीमारी हुई, उसकी एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन बॉडी में दवाई देके क्रिएट की जाएगी. इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. यहाँ पे सपोज किसी इंसान को टैकीकार्डिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देखना लिखा हुआ, किसी इंसान को टैकीकार्डिया हुआ है, यानी कि उसकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है. अब आपने क्या किया, आपने एक ऐसी दवाई दी, जैसे सपोज वी आर गिविंग द डिजिटालिस, आपने एक ऐसी दवाई दी, वो क्या कर रही है, उसकी पल्स रेट को कम कर रही है. यानी कि डिजिटालिस जो आपने दी, उसने प्राइमरी एक्शन में क्या किया, उसकी जो भी मरीज था उसकी पल्स रेट को कम कर दिया, ठीक है. ये है इसका प्राइमरी एक्शन, ठीक है. ये जो हुआ है यहाँ पे परफॉर्म, ये है प्राइमरी एक्शन, ठीक है. लेकिन जब इसका प्राइमरी एक्शन ओवर हो जाएगा और वाइटल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्स करेगा, इस प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगा, तब क्या होगा, तब उस इंसान की पल्स रेट जो पहले थी ना, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी. ये होता है एंटीपैथी में. अब इसी इंसान की जो पल्स रेट है वो उससे भी ज़्यादा हो जाएगी जो पल्स रेट पहले थी, जिसके लिए आपने दवाई दी थी. तो सेकेंडरी एक्शन जब परफॉर्म होगा, यानी कि जो वाइटल फोर्स डिफेंसिव रिएक्शन करेगा अगेंस्ट प्राइमरी एक्शन, तो सेकेंडरी जो रिएक्शन होगी उसमें जो पल्स रेट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जो पहले थी उससे भी ज़्यादा. तो ये जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया है पूरा, ठीक है, ये एंटीपैथी का एग्जाम्पल है. एंटीपैथी में इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है कि आपके जो प्राइमरी एक्शन है उसकी एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन क्रिएट कर देता है वाइटल फोर्स, ठीक है. यानी कि किसी की पल्स रेट बढ़ी, उसको ऐसी दवाई दी जो एकदम से प्राइमरी एक्शन में उसकी पल्स रेट को कम कर दे, लेकिन सेकेंडरी एक्शन जब होगा तो उसकी पल्स रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी जितनी उसकी पहले थी उससे भी. ये होता है एंटीपैथी. तो सेकेंडरी काउंटर एक्शन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सेकेंडरी काउंटर एक्शन में सिंपली क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्शन है उसकी एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन वाइटल फोर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है. लेकिन सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन में क्या होता है, एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन वाइटल फोर्स प्राइमरी एक्शन की जैसे नहीं क्रिएट कर पाता जो हमारे होम्योपैथी में होता है, कि एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन प्राइमरी एक्शन की पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. तो वो होम्योपैथी में, इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर मेडिसिन देते हैं कि जो सिमिलर टाइप ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो मरीज में क्रिएट कर सके, उस तरीके की दवाई दी जाती है, ठीक है. कि सपोज किसी को डायरिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसी दवाई दी जाएगी जो सिमिलर टाइप ऑफ डायरिया जो है वो मरीज के अंदर क्रिएट कर दे, इस तरीके की दवाई दी जाती है. इसे कहते हैं सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन, कि आपने सिमिलर टाइप की जो मेडिसिन है वो दी है. यानी कि सपोज किसी को एकदम से पल्स रेट इंक्रीज हुई, फॉर एन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल लेते हैं दोनों के लिए, किसी की पल्स रेट इंक्रीज हुई तो आपने सिमिलर दवाई दी जो उसकी पल्स रेट को इंक्रीज कर दे, ठीक है. सिमिलर सिम्टम्स जो मरीज के आ रहे हैं, उस सिमिलर सिम्टम्स जो है उसकी बॉडी में क्रिएट कर दे, इस तरीके की आपने उसको दवाई दी है, ठीक है. तो क्या होगा कि वहाँ पे सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होगा कि वाइटल फोर्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है उससे, डिफ्रेंशिएट कर लेता है अपने आप को और उस जो बीमारी है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है. सपोज किसी को कोई सी बीमारी हुई है तो उसको उस तरीके की ही दवाई दी जाएगी, सिमिलर दवाई दी जाएगी जो सिमिलर सिम्टम्स क्रिएट कर दे उसकी बॉडी में. होता है सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन. सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन जो है वो होम्योपैथी में होता है. अब आपको ये याद रखना है कि एग्जाम्पल्स जो हैं इनके, प्राइमरी सेकेंडरी के, वो एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं 65th एफोरिज्म में. 65 एफोरिज्म में आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से एफोरिज्म में
क्या बता रखा है। अगर मैं बताऊं कि 63 एफोरिज्म, तो 63 एफोरिज्म में आपको मेडिसिन का एक्शन बता रखा है। 64 एफोरिज्म की बात करें तो वहाँ पर आपको जो दो तरीके के होते हैं सेकेंडरी क्यूरेटिव काउंटर वो बता रखे हैं, और जो 65 एफोरिज्म है उसकी उसमें डेफिनेशन बता रखी है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर के लिए। अगर समराइज में आपको करूँ तो अगर हमने मेडिसिन खाई, मेडिसिन ने वाइटल फोर्स पे क्या एक्ट किया होता है, प्राइमरी। वाइटल फोर्स ने इन रिएक्शन क्या किया प्राइमरी के अगेंस्ट, तो वो होता है सेकेंडरी। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर करना भूलना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना।